चावल भारत में पाए जाने वाले प्रमुख अनाजों में से एक है। भारत में 6000 से भी ज्यादा प्रकार के चावल की किस्में पाई जाती हैं। हर राज्य में अलग अलग किस्मों के चावल खाए जाते हैं। हमारा उद्देश्य सभी राज्यों की जरूरत को पूरा करना था, लेकिन इतनी ज्यादा किस्मों में से ऐसी किस्में चुनना जो सभी राज्यों की जरूरत पूरी कर सके, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। इन्हीं कारणों से हमें चावल लाने में काफी समय लग गया। इस चुनौती से जीतने के लिए हमने भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले चावल की किस्मों के बारे में समझा। हमने चावल के विभिन्न उपयोग पर अध्ययन किया। कुछ राज्य जैसे बंगाल, उड़ीसा और बिहार में खाए जाने वाले चावल की सूची बनाई, जहां चावल दाल और सब्जी के साथ खाया जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों में चावल का उपयोग इडली, डोसा या सांभर और रसम के साथ किया जाता है। अगर बात की जाए उत्तर भारत की, वहां इसे पुलाव के रूप में या राजमा के साथ खाया जाता है। इन्हीं उपयोग को ध्यान में रखते हुए हमने तीन प्रकार के सबसे ज्यादा खाए जाने वाले चावल शॉर्टलिस्ट किए। रोजाना उपयोग के लिए इडली, डोसा सांभर के साथ या बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में चावल में सोना मसूरी चावल सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दाल भात के साथ क्लासिक चावल खाया जाता है। विशेष अवसरों में बासमती चावल को खास तौर से काम में लिया जाता है। साथ ही राजस्थान, दिल्ली व पंजाब जैसे इलाकों में इसका उपयोग ज्यादा देखने को मिलता है। कई लोग बिरयानी और जीरा चावल जैसे व्यंजनों को बनाने के लिए बासमती चावल उपयोग में लेते हैं। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अच्छी क्वालिटी के चावल का चयन करना था। इन चावलों की खेती या पैकिंग करने वाले उत्पादकों से कई सैंपल्स मंगाए गए। इन सैंपल्स की जांच के कुछ पैमाने जैसे चावल की लंबाई, स्वाद, सुगंध, रंग और पकने पर मिलने वाली क्वालिटी निर्धारित की गई। अच्छी क्वालिटी व बिना अशुद्धियों वाला चावल आपके बीच लाने के लिए चावल की सफाई व पैकिंग पूरी तरह से स्वचालित प्लांट में की जाती है। लंबे समय तक कड़ी मेहनत के बाद आपके समक्ष तीन विभिन्न प्रकार के चावल लाए गए हैं, जिनके इस्तेमाल से आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी।